डे और नाइट शूट के लिए बनी, दिन में शूट करी और सवेरे 9 बजे आई बनी और 9 बजे से लागल बनी खाली अपने एक भाई खाती जेकर नाम श्याम देहाती है, डार सर को लागल भंग के सवेरे से सुतल नहीं किए हम और नहीं अभी तक ले मूड हो जाना नहीं। हम कोनो राजनीति नहीं की करते पर सवेरे से लागल बनी अगर पैसा से बचे के रहे तो शायद हम अपने आप के भी बेच के वो आदमी के बचा सकती। इतना कोशिश कैले के बावजूद भी ऐसा आदमी के हम ना बचा पैनी जौन हमारे खाती 24 घंटा सिर्फ खेसारी भैया किंग बजी हैं, खेसारी भैया के का लिख दी हमेशा वो सोच ले बड़े हम के शायद हम अपने भाई के साथ भी ऐसे हो जाता उतना तकलीफ ना हो जितना हमारे करियर के लिए उस मेरे भाई का बहुत योगदान था। हम बहुत बाद में जुड़े थे 2018 या 19 में हम जुड़े थे श्याम से। बहुत कोशिश किया मैंने गोरखपुर से लेकर घर तक बेतिया तक पैसे से लेकर हर चीज तक मैं उस भाई को बचा नहीं पाया। इतना पेन हो रहा है ना मुझे कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों की उपलब्धि होती है। अभी मेरे नाम का चिप तक खोला था उस आदमी ने कि मैं अपने भाई के नाम का चिप्स बेचूंगा, हर चीज करूंगा। मैंने बोला कि ठीक है भाई, अगर मेरे नाम से मेरे भाई का नाम बड़ा होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस भाई को बड़ा करूं। जो भी चीजें हुई, जो भी चिप्स खोलने में जो भी चीजें हुआ, उसने मुझसे बोला, मैंने कोशिश की कि हाँ तू कर भाई, मैं तुम्हारे साथ। बट आज इतने कोशिश के बाद भी देना मैं उस अपने भाई को नहीं बचा पाया ना, इस बात की मुझे तकलीफ है। मुझे 48 घंटे हो गए सोए हुए, आंखें मेरी अंदर चली गई। सुबह 9 बजे से कोशिश ही कर रहा हूं कि उसको क्या करूं, क्योंकि जब बेतिया में प्रॉब्लम हुआ तो गोरखपुर आए। बट क्या बोलूं मैं, इस दुनिया में एक चीज मैं आप सबसे बता सकता हूं, आप कितना भी कमा लो पैसे से अपने आप को नहीं बचा पाओगे। इसलिए सीख रहो आप सब, खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का। मैं सिर्फ उस भाई के लिए सिंपैथी जता सकता हूँ आज के डेट में, मैंने कोशिश की लेकिन उसको बचा नहीं पाया। इस बात की मुझे तकलीफ है कि मैं अपने भाई को बचा नहीं पाया, बट इस बात की तकलीफ। उसने मिसे जीतू तबाड़ा बड़ी ठंडा से लेकर क्या क्या नहीं लिखा, कूलर कुर्ती में लगा ला, ठीक है का हिस्सा बना था मेरे जीवन में। बता रही है होली के बाद सुताला तनिकोरा में उस आदमी का मेरे जीवन में बहुत योगदान है। नींद भी नहीं आ रही मुझे, इसलिए नहीं आ रही है कि मैंने ऐसे एक भाई को खोया है जिसका खोने का गम मुझे आजीवन रहेगा। उसने मेरे लिए बहुत सोचा था और मैं कोशिश करके इतने पैसे कमाने के बावजूद भी एक भाई को जीवन नहीं दे पाया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबका पैर पड़ता हूँ, आप मत निकलिए घर से अपने, क्योंकि जितना प्यारा वो है वो था उतना ही प्यारा आप सभी मेरे लिए, क्योंकि
क्योंकि आप लोगों ने खेसारी को बड़ा किया है, इस मुकाम तक तो पहुंचाया है। तो आप प्लीज आप अपना सेफ्टी जरूर रखिए। कुछ समझ में नहीं, मैं ब्लैंक हो, यहां से आउट हो चुका हूं, क्योंकि उसकी छोटी छोटी बातें, हरकतें, जिस हिसाब से हम लोगों की, हम एक दिन में 30-30 गाना लिखते थे। यहाँ बात गाना की और संगीत की नहीं है, बात एक इंसानियत की है कि एक इंसान ने एक इंसान के लिए, एक भाई ने एक भाई के लिए कितना सोचा था। मैं सोच ही नहीं सकता था कि मुझे इतना जल्दी छोड़ के चला जाएगा, उससे तो मेरा रिश्ता जन्मों जन्म का हो गया था, उसके बिजनेस से लेकर, उसके परिवार से लेकर, उसके फैमिली से, उससे। और मेरे साथ काम नहीं भी करता तो मेरे दिल में रहता। और मैंने कोशिश भी की अपने भाई को कि जितना पैसा लगेगा, मुझे खुद को भी बेचना पड़ता ना, अगर उसकी जान बच जाती तो सारी कोशिश करता मैं बस, लेकिन नहीं हो पाया। मैं सिर्फ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करोड़पति होके भी अपने आप को आज के रेट में नहीं बचा पाओगे। मुझे नींद भी नहीं आ रही है और 48 घंटे से सो रहा नहीं, एकदम अजीब सा नशा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और दुआ करिए 2.5 साल का उस मेरे भाई का बच्चा है, अभी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, और मेरी भाभी है, अभी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, श्याम की वाइफ तब भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। तो मेरे पास वक्त है, वहाँ वक्त नहीं था। मैं उस भाई को पैसे से लेकर कुछ भी कोशिश किया, लेकिन नहीं बच पाया वो मेरा भाई। इन दोनों को कुछ नहीं होने दो, चाहे उसके लिए मुझे खुद को क्यों ना बेचना पड़े, क्योंकि उसका योगदान बहुत है मेरे जीवन में। वो जब भी मेरे से मिलता था सिर्फ मेरे लिए ही सोचता था, उसके अलावा कुछ नहीं। भैया ये गाइए ना, भैया वो गाइए ना, भैया ऐसे करते हैं, भैया वैसे करते हैं, बाकी कोई राइटर आए ना। लेकिन मैं जैसे ऑफिस पे अपने पहुंचता था, श्याम मेरे पास रहता था, क्या लिखा जाए भाई जी, क्या लिखा जाए, उसको भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं नहीं भूल भी नहीं पाऊंगा, और भूलने वाली चीज ही नहीं था वो। उसका कृति इतना कुछ दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, शायद उसका अंदाजा नहीं था, ये उसको भी नहीं होगा। बट I love you, श्याम, दिल से love you यार।